अमित कंजी जो बहस हुई थी पांचवें असेंबली उस पर भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन अम्बेडकर एक दलित परिवार से आने के बावजूद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी 1916 में गए थे और इकोनॉमिक्स में पीएचडी पाए। उसके बाद लंदन गए, वहां बाद वकील बने, लॉ डिग्री प्राप्त की, फिर हिंदुस्तान आए और एक शानदार कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सरदार पटेल की सहयोग की और एक शानदार संविधान हमारे लिए बनाया जो दुनिया में इसकी प्रशंसा होती है, और उनको तुरंत मान्यता मिलनी चाहिए। परंतु जवाहरलाल नेहरू के क्रोध, गुस्सा, ईर्ष्या, पता नहीं क्या, उसके कारण उनको लोकसभा में एक बार नहीं बल्कि तीन बार पूरी शक्ति लगाकर उनको हराया था। भारत रत्न जो उनको मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं 1990 तक, जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी। और मुझे ये आश्चर्य हुआ जब मैं उस समय विधि मंत्री बना तो मेरे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि अगला रिपब्लिक डे में किसको भारत रत्न देना चाहिए, तो मैंने लिस्ट निकाला देखने के लिए किसको मिला नहीं अभी तक। उसमें मुझे आश्चर्य हुआ कि 1990 में डॉक्टर अम्बेडकर को मिला था जब जनता दल की सरकार थी, और मुझे और आश्चर्य हुआ कि सरदार पटेल को तब तक किसी ने नहीं दिया। 1955 में जब भारत रत्न की स्थापित हुई तो पहला भारत रत्न जवाहरलाल नेहरू को मिला और दस्तक भी जवाहरलाल नेहरू का ही था।